कपड़ा तो छोड़ कभी ने तो देख लो बहुत अच्छा है। पागल मत कर कुछ इधर ये गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है बिकॉज मैं आज फर्स्ट टाइम मुंबई के बाहर का व्लॉग करने जा रहा हूँ जो कि माथेरान जा रहा हूँ और मेरे साथ कुछ फ्रेंड और भी हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं और अभी मैं बोरीवली स्टेशन पे हूँ। देख सकते हो मेरे पीछे ही है तीन कमीने। तो हम लोग फटाफट चलते हैं बिना लेट करते हुए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आपको या तो दादर मिलेंगे या ना तो किधर मिलेंगे नेरल में मिलेंगे या जहाँ पे टाइम मिलेगा उधर हम बात करेंगे। तो अभी मैं दादर से डायरेक्ट में करजत के लिए ट्रेन पकड़ लिया हूँ देख सकते हो। और इधर पे मेरे दोस्त लोग भी कुछ खाने पीने का भी चीज सामान लाए हैं जो अभी हम लोग खाएंगे। अब जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। डेढ़ घंटा लगेगा? डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा ना, तो अभी हम लोग को जाने में डेढ़ घंटा लगेगा। तो अभी ट्रेन में बैठ के थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं और मजे लेते एक दूसरे के। सो गाइस फाइनली मैं नेरल स्टेशन पहुंच गया और इधर से अभी हम लोग किसे जाएंगे? टैक्सी से जाएंगे जो कि उसका रेट है 80 रुपीज पर पर्सन। इधर पे कौन सी है ट्रेन का क्या नाम है? टॉय ट्रेन भी थी बस वो 6 मंथ से बंद है। तो अभी हम लोग टैक्सी से जाएंगे क्योंकि ये टॉय ट्रेन से बहुत अच्छा है। बहुत एक्चुअली कैसा व्यू बहुत अच्छे दिखते। तो अभी तो बंद है तो हम लोग इससे नहीं जाएंगे, हम लोग टैक्सी से जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये प्लेस। सो अभी मैं टैक्सी में बैठ गया और अभी कुछ 11:26 हो रहे हैं और इधर से कुछ 9 किलोमीटर दूर है माथेरान। तो अभी हम लोग चलते हैं और गाइस व्यू तो नेक्स्ट लेवल वाला है देख सकते हो। इधर से मतलब दिख नहीं रहा कांच है तो अभी मैं फोन से लेके दिखाता हूँ आप लोग को व्यू। बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग माथेरान पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा, व्यू तो नेक्स्ट लेवल वाला था। मतलब इतने अच्छे व्यू दिख रहे थे ना। और घाट तो यार बहुत, मतलब बाइक से आ रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्क है बहुत। बट अभी देख सकते हो इधर पे माथेरान पहुंच गए। तो अभी हम लोग इधर से एंट्री का टिकट पूछते कितना रुपया है, उसके बाद एंट्री करते इधर पे, फिर ऊपर जाके देखते और कितने प्यारे व्यू दिखते हैं। लेकिन यार जितना भी मैंने व्यू देखा बहुत अच्छा व्यू है और आगे भी चल के देखते कितना है कि मतलब कैसा व्यू है इधर। हम लोग एंटर करने से पहले कुछ खा लेते, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो हम लोग इधर से बड़ा पाव खा रहे जो कि 15 रुपए का है। तो अभी हम लोग खाते हैं उसके बाद जाता और हम लोग ने एक चीज लिया है ऑप्टिमम। हम लोग ने बोला थोड़ा मजा मस्ती करने पर जाके पुराने जमाने वाला वो फट करके पुराने जमाने वाला नहीं है एक्चुअली ये नए जमाने का ही है। इसको ना फोड़ने का मजा आता है तो हम लोग ऊपर जाके इसको दिखाते कैसे फोड़ते इसको। तो अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगा हम लोग को। अरे हम लोग ने नाश्ता विश्ता कर लिया, बहुत मजा आया खा के, फुल पेट वेट भर गए। वो खा रहा था तब तक बंदर आ लेके भाग गया। तो और ये हम लोग ने, चार लोग हैं हम लोग, 50 रुपीज का एक टिकट है चार। तो अभी इससे हम लोग एंट्री की है। ये यार एंटर करने से पहले देख सकते हो आप व्यू देखो। तो अभी आपको और भी हम लोग माथेरान के मतलब थोड़ा अंदर आए तो इतना अच्छा व्यू दिखा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखाया जाए। देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, मतलब फोन में तो उतना आ नहीं रहा है बट आप आके देखोगे तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाला व्यू है। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, पूरा माउंटेन है और फॉग की वजह से ये थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो अभी मैं इसका एक फोटो वीडियो लेता हूँ और अभी हम लोग चलते चलते मार्केट में आ गए। इधर पूरा मार्केट है इधर पे माथेरान का, इधर पे मतलब शूज कपड़े मतलब सब चीज मिलते हैं इधर पे, खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है, इधर पे रहने का भी रूम भी मिलते हैं, मतलब एक दिन दो दिन तीन दिन जैसा रहने का है। मिनिमम प्राइस कुछ 600 है उन्होंने मुझे बताया। सो देखो पूरा मार्केट है, देख सकते हो आप। और यार बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कैसा गाँव जैसा लगता है ना, गाँव वाले फील वैसा लग रहा है, बहुत अच्छा नेचुरली हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे दोस्त लोग कुछ खाने के लिए ले रहे सामान चिक्की विक्की इधर से। सो अभी हम लोग एक गार्डन में आए जो कि बहुत अच्छा गार्डन है, और उधर से मतलब व्यू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो मतलब नेक्स्ट लेवल। कौन सा? माधव जी पॉइंट करके नाम है गार्डन का। इधर से देख सकते हो व्यू, देखो खेल सकते हैं। इधर पे देख सकते हो, इधर पे डेयरी मिल्क 250 रुपीज 100 रुपीज मतलब ऐसे कुछ है। ये रिंग दिख रहे हैं ना, इसको ऐसा फेंकने का, जिस पे जाएगा वो आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्त लोग अभी उधर पे गन का खेल रहे हैं। इधर पे 5 स्टैचू रखे हुए हैं छोटे, उसको उस पे 3 मारोगे तो आपको 200 समथिंग कुछ रुपीज मिलेंगे। तो अभी ट्राई कर रहे, देखते क्या होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मेरे दोस्त ने इधर पे खेला तो 40 रुपीज की एक डेयरी मिल्क वो जीता उसने, तो अभी ट्राई करते हैं। सो अभी हम लोग खंडाला पॉइंट जाने वाले, इधर पे एरो दिया है देख सकते हो इधर से अंदर। तो मेरे दोस्त लोग अभी जा रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसा है। सीरियसली यार बहुत अच्छा लगा, गेम खेल के भी बहुत मजा आया, 2-3 बार हम लोग ने जीते, बहुत मजा आया, इंजॉयमेंट हुआ। और अभी इधर जा रहे हैं, एक्चुअली कुछ रास्ता बंद है मेरे ख्याल से, इसलिए रिटर्न आ रहे। क्या हुआ? अच्छा जाने का है, सॉरी जाने का, रास्ता नहीं बंद है, मेरे को लगा ऐसा कि रास्ता बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम फटाफट खंडाला पॉइंट पहुंच गए, देख लो बहुत अच्छा व्यू, इधर पे बहुत लोग बैठे अभी, कपड़ा तो छोड़ कभी ने तो देख लो बहुत अच्छा है। खंडाला पॉइंट से डायरेक्ट एको पॉइंट पे है जो कि इधर पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इधर से चिल्लाएंगे ना तो रिवर्स हम लोग को वो वॉइस सुनाई देती है। और सीरियसली गाइस बहुत अमेजिंग प्लेस है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि बोरिंग प्लेस है। आप लोग आओगे ना तो आप लोग बोलोगे कि बहुत अच्छा प्लेस है, देख सकते हो मतलब बहुत अच्छा है। जितना तारीफ करूँ इस प्लेस का ना बहुत कम है, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल वाला है। अभी हम लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तो अभी हम लोग को भूख लग गई है, तो अभी हम लोग ने मैगी ऑर्डर किया है जो कि कितने का है प्रदीप? 40 रुपीज का है। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं अच्छा लगा तो और एक ऑर्डर करें देखता हूँ कैसा है। ऐसा कैसा कहते घर पे बनते वैसे मुँह क्यों मार रहे ऐसे डाले? बहुत अच्छा है, मतलब कैसा थोड़ा स्पाइसी और गरम है, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग फटाफट खाते हैं। फिर एक किधर जाने का प्रदीप? लेक पॉइंट पे जाने का है। तो चलिए अभी मैगी खाते उसके बाद लेक पॉइंट पे जाते।
और ये अभी हम लोग मैगी खाने के बाद लेक पॉइंट पे आ गए गाइस। मतलब कैसा है ना कि इधर आप आ रहे हो ना तो मतलब आपका मन नहीं भरेगा इधर से जाने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लेस है। अभी हम लोग ने इको पॉइंट देखे, फिर बाद में लेक पॉइंट पे आए। मतलब कैसा इधर पे बहुत सारे प्लेस है कि एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, इतना है कि एक दिन में नहीं कर पाओगे आप अच्छे से। इसके लिए आपको 2 से 3 दिन रहना पड़ेगा इधर पे। सो और बहुत अच्छा लगा मुझे इधर पे आके, पूरा सुकून मिलता है और एकदम शांति प्लेस है, देख सकते हो पूरा एकदम शांत। सो अभी हम लोग माथेरान में बहुत ज्यादा मस्ती किया, मजा की। तुम लोग कैसा लगा गाइस? जबरदस्त भाई, एक नंबर मजा है। तो अभी हम लोग थक गए हैं तो नहीं, मतलब कोई रोया नहीं, मतलब सबने फुल एंजॉयमेंट किया, बहुत मजा आया। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बहुत तेज भूख लगी, मैंने बिरयानी ऑर्डर किया, तुम लोगों ने क्या किया? चीज दूरी। हाँ तो वो खाएंगे अभी वेज के बाद। दो पंडित, दो नॉनवेज, दो पंडित है और दो हम लोग नॉनवेज खाने वाले। तो खाने के बाद डायरेक्ट घर पे जाएंगे। ज्यादा एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि हम लोगों को घर पे आने में 10:30 बज गया रात का। तो उसके बाद मैं आया घर पे और मैं डायरेक्ट सो गया, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, मुझे सर्दी भी हो चुकी है और मेरा गला भी बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। तो फिर बाद में मैं थोड़ा सा घर पे खाना खाया, उसके बाद सो गया। तो फिर अभी मैं 10:30 बजे उठा और उसके बाद मैं नाश्ता किया और सब मतलब करने के बाद अभी मैं अपना व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। और उससे पहले गाइस वो प्लेस पे जाओ और एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला। और एक दिन के लिए मत जाओ, क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए गए थे, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किए, जितना भी किए मतलब अच्छा ही किए बट लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए। तो उधर पे जाओ तो 2 से 3 दिन रहो ताकि नाइट का भी व्यू देखो, और मतलब कैसा बहुत अच्छा प्लेस है। तो अभी हम लोग प्लान करते हैं कभी और जाएंगे तो देखते हैं आगे। तो और गाइस ये व्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना ना जाना। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, उसमें चैलेंजिंग व्लॉग आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। तब तक के लिए बाय।